नाज़रीन, इस वक्त जो है हम ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर दाखिल हो गए हैं। इस पार्क के अंदर दाखिल होते ही आपको जो है वो राइट साइड पे पार्किंग है और इसका दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस का फूड कोर्ट है, और लेफ़्ट साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो बादशाही मस्जिद, शाही किला और कश्ती रानी बोटिंग के लिए लेक मौजूद है। तो आज के इस वीलॉग के अंदर हम शाही किला और बादशाही मस्जिद को विज़िट करने आए हैं, तो चलें हमारे साथ चलें, आपको भी जो है वो विज़िट करवाते हैं। ये मेन एंट्रेंस है पार्क के अंदर दाखिल होने के लिए, जिसको ग्रेटर इकबाल पार्क भी कहा जाता है। तो पहले वक्तों में ये मीनार पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पे इन मीनार पाकिस्तान और इसके गिर्द जो है वो ग्राउंड हुआ करता था। अब जो है इन चीज़ों को जो है वो एक साथ मिक्स इकट्ठा कर दिया गया है, जिसे ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से कहा गया है। और इसके अंदर ही मीनार पाकिस्तान भी है और राइट साइड पर जो है बादशाह मस्जिद और शाही किला भी आप विज़िट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे जो है वो साइन लगा हुआ है कि आप शाही किला इस तरफ है। जी नाज़रीन, शाही किले के ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर से शाही किला का ये वाला जो है वो यहाँ से इसका पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे शाही किला के अंदर दाखिल होने के लिए एंट्री टिकट है, तो हम यहाँ से एंट्री टिकट ख़रीदते हैं और किले के अंदर दाखिल होते हैं और आपको जो है वो शाही किला दिखाते हैं और साथ में जो है वो इसकी हिस्ट्री बताते हैं। किला लाहौर, जिसे शाही किला भी कहा जाता है, दुनिया में अपनी नौयत की अजीम इमारतों में से एक है। मुख्तलिफ अदवार में इस किला को गिराया गया और फिर तामीर भी किया गया। इस किले में तकरीबन 21 मुख्तलिफ इमारतें हैं। शाही किला को 1981 में यूनेस्को अक्वामे मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफी तंजीम ने आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको इस किला की मुकम्मल हिस्ट्री बताएंगे। नाजरीन, उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। ये किला कई सदियों का अक्स है। किला का सबसे कदीम हवाला अल बेरूनी की लिखी गई किताब लाहौर की तारीख में मिलता है, जिसमें 11वीं सदी के अव्वल में तामीर होने वाले किले का हवाला दिया गया है। वो मज़ीद लिखते हैं कि मुंशी सोजान राय भंडारी, जो कि 1695 ईस्वी में खलसूत तवारीख के मुसन्नफ थे, उसमें रिकॉर्ड करते हैं कि सुल्तान महमूद के पसंदीदा यानी कि करीबी मलिक अयाज ने लाहौर में चुनाई का किला बनाया और शहर को दोबारा आबाद किया। ये वही किला है जिसे मंगोलों ने 1241 में और 1398 में तैमूर की फ़ौज के एक दस्ते ने तबाह कर दिया था।
जिसके बाद इसे 1421 में खिजर खान के बेटे सैयद ने दोबारा तामीर किया था। मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म 1566 ने पहले का जो मिट्टी का किला बनाया था उसको गिराया दिया और फिर इसे पक्की ईंटों से दोबारा तामीर किया। अकबर के जानशीनों जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब ने किला में कई इमारतें तामीर कीं। पंजाब में मुग़ल के ख़ानदान के जवाल के बाद 18वीं सदी में सिखों ने किला पर कब्ज़ा कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह ने ऊपरी दीवार पर कई 12 दरियां बनवाईं। महाराजा रंजीत सिंह ने शीश महल की बलाई मंजर पर अपने कमरे बनवाए। मोती मस्जिद को मंदिर में तब्दील करके मोती मंदिर का नाम दे दिया। बाद में मस्जिद को सरकारी ख़जाने की इमारत कर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। शाही बावर्ची खाने को खुराक के ज़खीरा और घोड़ों के ठेले में तब्दील कर दिया गया। शीश महल के बाहर 8 दरा यानी 8 सुराखों वाली इमारत तामीर की गई थी, जिसे कचहरी अदालत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खड़क सिंह की हवेली को जहांगीर के चौकोर में शामिल किया गया। महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद खड़क सिंह बादशाह बन गया, लेकिन एक बहुत बड़ी सल्तनत को संभालने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से शहज़ादा नौनिहाल ने ख़ुद रियासत का कंट्रोल संभाल लिया। ये किला मुग़ल फ़न तामीर और इसके बाद के दौर की मुकम्मल तारीख की नुमाइंदगी करता है। किला में अकबर के दौर के फ़न तामीर की खसूसियत बुनियादी तौर पर सुर्ख रेत के पत्थर के इस्तेमाल और ईंटों का कटा हुआ काम है। 1849 में ये किला बरतानवी फ़ौज के कब्ज़े में आ गया और किला में काफ़ी तरमीम का काम किया गया। बरतानवी दौरे हकूमत में दीवान आम में मज़ीद इजाफ़ा किया गया। इसे हस्पताल और डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया गया। मुख्तलिफ हिस्सों में मरकज़ी दीवार को बढ़ा दिया गया, जिससे तस्वीरी दीवार और बादशाही मस्जिद का नज़ारा बंद हो गया। बरतानवी जेल कैदियों के लिए बनाई गई थी और शाही किचन को जेल खाना में तब्दील कर दिया गया था। अफसरान और पुलिस की रिहाइश गाहों के लिए एक और मंजिल का इजाफा किया गया। इसी तरह शहनशाह जहांगीर के स्लीपिंग चैम्बर्स को डाइनिंग हॉल और हरम को गेस्ट हाउसेस में तब्दील कर दिया गया। दीवान आम की छत पर अंग्रेज़ों के बावर्ची खाने बनाए गए थे। 1899 में बरसीर के वासराय लॉर्ड कर्जन ने के हुक्म पर मोती मस्जिद को इसकी साबका हैसियत पर बहाल कर दिया गया और कुछ मजहबी बाकियात बादशाही मस्जिद में महफूज कर दिए गए। नाज़रीन, लाहौर किला को 2014 में महकमे आसार कदीमा पंजाब से वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिया गया था। तब से यह किला का इंतज़ामी कंट्रोल वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के पास है। Thank you.
जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो है वो शाही किला दिखाया है और इसकी जो है वो हिस्ट्री बताई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह पर, तब तक अल्लाह हाफिज़।